हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वर्ष ने और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग और आज मैं वीडियो लेके आया दरअसल डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम के कंसेप्ट के बारे में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा कंसेप्ट जो क्या काम करता है। तो अक्सर देखेंगे जो भी हमारी बीम होती है सिंगली रिइंफोर्स्ड, उस बीम में हम करते क्या है कि जो नीचे जो हमारा टेंशन जोन है सिंपली सपोर्टेड बीम में, सपोज में सिंगली रिइंफोर्स्ड, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देखेंगे जो बेंडिंग मोमेंट है हमारे सेंटर में ज़्यादा होता है। अगर यूडीएल लोड लग रहा है तो आप देखें किनारे पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो नॉर्मली कम हो जाता है। तो इसमें जो टेंशन जोन है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो नीचे की ओर होता है, तो नीचे हम मेन बार डालते हैं और ऊपर जो हम क्या करते हैं दो एंकर बार डालते हैं, साथ में स्ट्रप्स डालते हैं, ठीक है। तो ये जो बीम हमारी कहलाती है सिंगली रिइंफोर्स कहलाती है। और अक्सर जब भी कभी बीम का डिज़ाइन करता है सिंगली रिइंफोर्स बीम का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो खास तौर से अगर कहीं ज़्यादा है तो बीम की गहराई वहाँ पर हमारी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे जो बीम का हम डिज़ाइन करते हैं सिंगली रिइंफोर्स बीम का, उसमें हम जो एएसटी है वो हमारे बेंडिंग मोमेंट के आधार पर डिपेंड करता है, यानी कि एम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एएसटी, यानी जितना एएसटी ज़्यादा खास तौर से है यानी कि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि जो बीम की गहराई और एएसटी ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखें बीम की जो गहराई है हमारी, अगर किसी भी बीम के ऊपर लोड ज़्यादा है किसी कारण से, उसके ऊपर स्पैन ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, और जब बेंडिंग ज़्यादा होगा तो एएसटी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन आप देखें जब भी कभी हम बीम का डिज़ाइन करते हैं सिंगली रिइंफोर्स बीम का, तो उसमें बैलेंस मान के चलते हैं। बैलेंस हम किस तरह से मानते हैं कि जो हमारा कंप्रेशन जोन में जो हमारी कॉन्क्रीट है और टेंशन जोन में जो हमारी स्टील है, उनका जो खास तौर से जो एरिया मोमेंट है, और कंप्रेशन जोन का जो कंप्रेसिव फोर्स मान के चल सकते हैं, और टेंशन जोन का जो टेंसाइल फोर्स है वो आपस में दोनों बराबर हमारे होने चाहिए। तो आप देखें टेंशन जोन में हम स्टील लाते हैं, कंप्रेशन जोन में हमारी क्या होती है केवल कंक्रीट होती है। तो इस दौरान हम बैलेंस कंडीशन मान के चलते हैं कि यानी कि टेंशन में जो लोड है ये टेंसाइल फोर्स बराबर कंप्रेसिव फोर्स के हमारे बराबर होता है। तो उस केस में अगर हम एएसटी खास तौर से अगर मोमेंट बहुत ज़्यादा है और एएसटी का मान बढ़ा देंगे तो बीम हमारी क्या हो जाएगी ओवर इन्फोर्स हो जाएगी। तो जब बीम हमारी ओवर इन्फोर्स हो जाएगी तो उस केस में हमारी कॉन्क्रीट क्या होगी वो हमारी पहले ही फेल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जो हमने एक्स्ट्रा स्टील डाली यानी ओवर इन्फोर्स हमने किया है तो उस स्टील का खास तौर से हम उपयोग नहीं कर पाए। तो इसलिए आप इसमें देखेंगे कि जो भी हमारा बैलेंस कंडीशन है उस बैलेंस कंडीशन में आप देखेंगे जो मोमेंट का मान है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एम आर बराबर क्यू बी डी स्क्वायर। और क्यू क्या है हमारा, ये हमारा मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर है जिसका मान होता है हाफ सिग्मा सी बी सी एक्स वन और जेड वन होता है। तो किसी भी बीम के द्वारा जो खास तौर से जो मोमेंट है वो क्यू बी डी स्क्वायर से ज़्यादा खास तौर से नहीं हो सकता, और उसके अकॉर्डिंग हम ए एस टी डालते हैं तो दोनों ही कंडीशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीम के अगर खास तौर से मोमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में बीम की गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि बीम की गहराई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो डीप बीम बन जाती है, और ऐसी बीम देखने में कभी भी अच्छी नहीं लगती। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास ये लिमिटेशन आ जाए कि बीम की गहराई हमें सीमित रखनी है और इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आना है या स्पैन बहुत ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि उस बीम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है अगर बहुत ज़्यादा आना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि स्टील हम ज़्यादा डाल देते हैं। लेकिन स्टील अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो उस केस में क्या होगा, कंप्रेशन जो जोन है उसका जो कंप्रेसिव फोर्स है वो हमारा कम हो जाता है, उसके कारण बीम हमारी फेल हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टील जो है वो हमारी टेंशन में मौजूद होती है और कंप्रेशन में मौजूद होती है। आपने देखा या फिर 250 ग्रेड के अगर हम स्टील यूज़ करें तो उसका जो सिग्मा एस टी का मान है जो स्टील का जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारा कितना है, दैट इज़ 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और जबकि कंप्रेशन में हमारा स्ट्रेस कितना है परमिसिबल 130 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो दोनों ही चीज़ लगभग हमारी बराबर सी हैं। तो आप देखें कि ये जो हमारा जो स्ट्रेस है खास तौर से स्टील में, जो हमारा टेंशन में भी बराबर है कंप्रेशन में भी आपस में दोनों बराबर है, तो हम क्या करते हैं कंप्रेशन जोन में हम स्टील डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कंप्रेशन जोन का हमारा एरिया बढ़ जाता है, और जो टेंशन जोन में जो हमने एक्स्ट्रा स्टील डाले उसके कारण जो हमारा एरिया बढ़ जाता है। तो उस केस में कंप्रेशन जोन का जो कंप्रेसिव फोर्स है और टेंशन जोन का जो हमारा टेंसाइल फोर्स है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस समय कभी भी जब एएसटी का मान हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस एएसटी का मान सिंगली रिइंफोर्स बीम में अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस स्टील का हम कोई भी उपयोग नहीं कर पाते। तो हम करते क्या है कि कंप्रेशन जोन का एरिया चूँकि फेल ना हो जाए तो कंप्रेशन जोन में भी हम खास तौर से स्टील डाल देते हैं, तो उसके कारण वो बीम आपकी डबली रिइंफोर्स हो जाती है। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी बीम की गहराई हमारी सीमित कर दी जाए। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गहरी बीम जो है वो हमें अच्छी देखने में नहीं लगती है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारा होता है। इसके साथ साथ कई बार जो बीम होती है हमारी
वो जब खास तौर से बहुत सारे सपोर्ट पर रेस्ट करती जाती है, तो जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलता है वहाँ पर खास तौर से नेगेटिव मोमेंट जनरेट हो जाता है, तो उसके कारण हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील डाल देते हैं। तो वहाँ पर अगर टेंशन जोन खास तौर से जनरेट होता है कहाँ पर, ऊपर की ओर, तो उस दौरान वहाँ पर जो कंप्रेशन जोन की स्टील है वो उस स्ट्रेस को बियर कर लेती है। तो इसलिए हम करते क्या है कि कहीं भी हम खास तौर से डब्ल्यू रन फोर बीम का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि जब हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील डाल दें और टेंशन जोन में भी हम स्टील डाल दें, क्योंकि सिंगली रन फोर बीम में हम ओवर एनफोर्स हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टील हमने टेंशन जोन में डाली है उसका हम पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकते। और वो जो स्टील डालते हैं हम कंप्रेशन जोन में खासतौर टेंशन जोन में, जिसको हम एएसटी कहते हैं, वो हमारे किसके बराबर होने चाहिए, एमआर बराबर क्यूबीडी स्क्वायर, यानी क्यूबीडी स्क्वायर से ज़्यादा स्टील हम किसी भी टेंशन जोन में सिंगल रिइंफोर्स में नहीं डाल सकते। अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो उस एक्स्ट्रा स्टील का हमारा कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कंप्रेशन जोन हमारा पहले ही फेल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा स्टील जो टेंशन जोन में डालने का फ़ायदा जब है कि जब हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील डाल दें ताकि कंप्रेशन जोन का एरिया हमें वाइड मिल जाए, तो वहाँ पर हम करते क्या हैं कि कंप्रेशन जोन में, हालांकि जो सिंगली रेनफोर्स बीम होती है उसमें दो एंकर बार हम कंप्रेशन जोन में डालते हैं, स्टब भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी भी सिंगली रेनफोर्स बीम में हम उसको कंसीडर नहीं करते, और डबली रेनफोर्स बीम में भी हम खास तौर से उसको भी कंसीडर हम खास तौर से नहीं करते। तो जब कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील डालें ताकि जो कंप्रेसिव फोर्स है उसका एरिया बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में जो कंप्रेसिव फोर्स है उसका मान टेंसाइल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे समझाता हूँ कि किस तरह से हमारी डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का जो कंसेप्ट है वो काम करता है। आइए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिया है डब्ल्यू रेनफोर्स बीम DOUBLERCC बीम, और क्या लिया है मैंने, कंसेप्ट लिया एक छोटा सा, और आप देखिए बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे। और इसको मैंने फिलहाल WSM से ही ले लिया है, ठीक है, और LSM से मैं इसको बाद में समझाऊंगा। तो आप देखिएगा दोस्तों बहुत आसानी से कि इसमें जो बीम है हमारी, ये फर्स्ट फेज की फिगर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक छोटी सी फिगर है, इसको आप देखिएगा, ये हमारी बीम है, इसमें हमने यहाँ पर डाला है AST, दिस इज़ वाट AST, और यहाँ पर हमने कंप्रेशन जोन में हमने डाल दिया टोटल ASC, और ASC माने एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ऊपर का जोन कंप्रेशन, नीचे का जोन हमारा टेंशन है। सपोज करें बीम की चौड़ाई हमारी क्या है, B, यहाँ पर ये बीम की चौड़ाई हमारी क्या है, B, और यहाँ पर जो गहराई है ये वाली, ये गहराई कितनी है, D, ठीक है, और ऊपर से जो स्टील जो हमने डाली है वो D- गहराई पर डाली है, किस पर डाली है, D- गहराई पर, ये हमने स्टील यहाँ पर डाल दी है, ओके। अब आप देखेंगे कि इसकी न्यूट्रल एक्सेस है वो इस तरह से है, दिस वन इज NA, ये हमारी न्यूट्रल एक्सेस है। तो अगर हम इसके दो पार्ट करें यहाँ पर, तो इसका एक पार्ट किस तरह से होगा, एक सिंगली, तो सिंगली बीम किस तरह से है हमारी, यहाँ पर इस तरह से बीम है, इसी तरह से हमने सेक्शन बना दिया जिसमें ये बी, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस वन इज AST1, दिस वन इज AST1, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारी, दिस वन इज कॉन्क्रीट, दिस इज कॉन्क्रीट, है ना, और यहाँ पर हमने स्टील डाल दी, यहाँ पर ये गहराई कितनी है, दिस वन इज D, है ना, और यहाँ पर ये गहराई हमारी क्या है, दिस वन इज XC, हमने क्या कह दिया इसको, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी फिगर, ये A फिगर है, इसके दो पार्ट हो गए, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये हमारी क्या है, दिस इज सिंगली, दिस इज व्हाट SINGLY, दिस इज व्हाट सिंगली RCC बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम है। इस AST में से ये पार्ट अगर हम इसको हटा दें तो इसमें स्टील हमें कितनी चाहिए, दैट इज AST1, ठीक है। अब इसका आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस डायग्राम है वो हमारा किस तरह से बनता है, स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पर जो स्ट्रेस डायग्राम है वो हमारा इस तरह से बनता है, यहाँ पर दिस वन इज, है ना, तो ये क्या है, दिस वन इज T1, यानी ये टेंसाइल फोर्स है, है ना। यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा CBC क्या है हमारा, यानी कॉन्क्रीट का कंप्रेशन में बेंडिंग स्ट्रेस है, परमिसिबल, दैट इज सिग्मा CBC। ये हमारा क्या है, XC, वही हमारी न्यूट्रल एक्सिस, और जो हम देखा होगा आपने कि XC का जो मान निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, XC का मान क्या होता है हमारा, M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस
सिग्मा एस टी इंटू डी, यही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम एक्स वन का मान निकाल रहे हैं, एक्स वन क्या है, दिस वन इज द एक्स वन, और एक्स वन का मान क्या है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स वन। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स सी बराबर क्या है, एक्स वन डी, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्किंग स्ट्रेस। यहाँ पर देखेंगे अगर खास तौर से एम का मान हमने कितना लिया 18, सिग्मा सी बी सी हमारा कितना है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और सिग्मा एस टी का मान हमारा कितना है, इट इज से 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब आप करके देखेंगे तो इसका मान, एक्स सी का मान कितना आ जाएगा, 0.39 डी, ये हमारा यहाँ पर ये केस चल रहा है, एक्स सी का मान कितना आ गया हमारा 0.39 डी, जब हम एफ ई 250 ग्रेड की स्टील यूज़ कर रहे हैं, और जो मॉडुलर रेशियो वो एम का मान 18 और सिग्मा सी बी सी 5 यानी कि एम 15 ग्रेड की कॉन्क्रीट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स वन का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0.39, और ये हमारा कितना होगा 0.39 डी आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हमें एक्स सी का मान मिल गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या फोर्स काम कर रहा है, दिस वन इज नोन एज सी वन, सी वन क्या है, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू कॉन्क्रीट, है ना। अब इसकी लीवर आर्म कहाँ है, ये लीवर आर्म यही है ना, इसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट, इसको हमने कह दिया जेड डैश, क्या किया हमने, जेड डैश, और जेड डैश बराबर क्या है हमारा, दैट इज जेड वन डी, दैट इज व्हाट, जेड वन डी। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एक्स सी, तो जेड वन का मान क्या है, जेड वन बराबर इट इज जेड वन नॉट जेड डैश, जेड डैश क्या है, लीवर आर्म फॉर दिस वन। तो इसका ये क्या है हमारा, दिस इज स्ट्रेस डायग्राम, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जेड वन का मान क्या है, दिस इज वन माइनस 0.39/3, सो इट विल कम 0.87, इट विल कम 0.87। तो यहाँ पर जेड वन क्या है, ये इसकी लीवर आर्म है। अब हम कहते हैं बैलेंस केस में हम क्या करते हैं, सिंगली रेनफोर्स केस में, यहाँ पर बैलेंस बी ए एल ए एन सी ई, बैलेंस केस में हमारा क्या होता है कि सी वन बराबर टी वन, सी वन बराबर टी वन, और सी वन का मान क्या है, बी, यानी कि हमें सी वन क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है, दिस इज व्हाट, कंप्रेसिव फोर्स, यहीं छोटा सा लिख देता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स, और कहीं भी हम फोर्स निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, एरिया स्ट्रेस और एरिया स्ट्रेस चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एरिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटू स्ट्रेस बराबर टेंसाइल का एरिया इंटू स्ट्रेस, यही है ना, है ना। इसका जो ये स्ट्रेस डायग्राम है वो ये है, इसमें हमने डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि जो टेंशन जोन की जो कंक्रीट है, ये हमारा टेंशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, ये कंक्रीट है, और ये है यहाँ पर भी कंक्रीट है, स्टील है, लेकिन ये जो टेंशन जोन की जो कंक्रीट है वो किसी तरह का टेंसाइल फोर्स बियर नहीं करती, तो उस केस में स्टील के द्वारा ही टेंसाइल फोर्स बियर किया जाएगा, इसलिए ना हमारी डॉटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया क्या है हमारा, दैट इज बी, ये हमारी बीम की चौड़ाई, ये हमारी एक्स सी, बी इंटू एक्स सी, और एवरेज स्ट्रेस क्या है, सिग्मा सी बी सी बाई टू बराबर एरिया क्या है, दिस इज ए एस टी वन इंटू सिग्मा एस टी, ठीक है। तो अब इस केस में देखेंगे कि ये जो बी इंटू एक्स सी इंटू सिग्मा सी बी सी बाई टू बराबर ए एस टी वन इंटू सिग्मा एस टी, तो अगर ये डेटा हमें दिए गए हैं, एक्स सी का मान आपने निकाल लिया, डी का मान पहले दिया गया है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उस केस में ए एस टी वन का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगली रेनफोर्स बीम है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर मोमेंट निकालें, दिस इज मोमेंट, और मोमेंट का मान क्या होगा, मोमेंट इज व्हाट, दैट इज सी वन इंटू जेड डैश, मोमेंट क्या होगा, सी वन इंटू जेड डैश, और सी वन का मान क्या है हमारा, यानी कि मोमेंट बराबर क्या है, बी इंटू एक्स सी सिग्मा सी बी सी बाई टू इंटू डी माइनस एक्स सी बाई थ्री, यही आ जाता है ना। अब जब एक्स सी की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स वन डी रख देंगे, है ना, सिग्मा सी बी सी की जगह, सिग्मा सी बी सी की जगह वो 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस हमारा कितना है 5, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स सी की जगह फिर एक्स वन डी रखेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, इट विल कम एम आर बराबर क्यू बी डी स्क्वायर, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें एम आर बराबर क्यू डी स्क्वायर, और क्यू क्या है हमारा, ये मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर, क्यू क्या है हमारा, दिस इज मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर,
अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, दिस इज व्हाट मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर। तो यहाँ पर Q बराबर क्या है, Q बराबर हाफ सिग्मा सी बी सी एक्स वन और जेड वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट Q, इसको हम कहते हैं मोमेंट रेस्टिंग फैक्टर। तो डिफरेंट ग्रेड की कॉन्क्रीट के लिए आप देखेंगे कि Q का मान हमारा हाफ सिग्मा सी बी सी एक्स वन जेड वन, यानी एक्स वन का मान भी चेंज होगा जेड वन का मान भी चेंज होगा। तो यहाँ से आप एक्स वन निकाल सकते हैं और जेड वन निकाल सकते हैं और सिग्मा सी बी सी किसी भी ग्रेड की कॉन्क्रीट के लिए निकाल सकते हैं, ये मालूम है, तो आप क्यू का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एम आर बराबर वट, दिस इज क्यू बी डी स्क्वायर। तो कोई भी बीम है सिंगली रिइंफोर्स्ड वो बैलेंस कंडीशन में है, तो एम आर यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका क्यू बी डी स्क्वायर के खास तौर से बराबर होगा। अब यहाँ पर देखें कि जो एम आर का मान है इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज वट एम वन, दिस इज वट मोमेंट क्या है एम वन, और एम वन क्या है दिस इज वट टेंसाइल के हिसाब से देखें तो टेंसाइल के हिसाब से क्या है ए एस टी वन इंटू सिग्मा एस टी इंटू जेड वन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दिस इज वट ए एस टी वन इंटू सिग्मा एस टी वन, सिग्मा एस टी इंटू वट दिस इज जेड डैश। तो यहाँ पर हमारा ए एस टी वन आसानी से मिल जाएगा और ए एस टी वन क्या हो गया एम वन अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेड डैश। ठीक है, अब आप देखेंगे ये क्या है हमारा ए एस टी वन और एम वन हमारा क्या है, दिस इज क्यू बी डी स्क्वायर। एम वन क्या है, दिस इज क्यू बी डी स्क्वायर। एम वन क्या है हमारा, क्यू डी स्क्वायर। तो सिंगली रेनफो बीम के लिए हम ए एस टी वन का मान क्यू डी स्क्वायर के आधार पर निकाल लेंगे। और आपने देखा होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो स्टील का जो परसेंटेज आता है, अगर खासतौर से एम बराबर मॉडुलर रेशियो 18 और एफ ई 250 ग्रेड की स्टील यूज़ करें और जो M है यानी कि जो कंक्रीट का ग्रेड है वो 15 है, तो उस केस में जो परसेंटेज स्टील आता है वो 0.69% या 0.7% आप उसको कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो AST1 वो हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ये AST1 है तो नेक्स्ट वन क्या होगा हमारा, दैट इज AST2। सेकेंड फिगर हम इसकी बनाएं, यहाँ पर इधर देखेंगे सेकेंड फिगर हम इसकी बनाएं तो देखो इस तरह से डॉटेड, क्योंकि अब कॉन्क्रीट हमारी हट गई, क्या रह गया केवल हमारी स्टील रह गई, केवल क्या रह गया हमारी स्टील। तो स्टील कितनी है यहाँ पर, ए एस टी वन यहाँ यूज़ कर लिया और टोटल कितना है हमारा ए एस टी, तो ए एस टी टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वन इज़ व्हाट ए एस टी टू, दिस वन इज़ व्हाट ए एस टी टू, और ए एस टी टू कितना है हमारा, दैट इज़ ए एस टी माइनस ए एस टी वन, ए एस टी माइनस ए एस टी वन। टोटल स्टील ये है तो उसमें सिंगली रेनफोर्स के द्वारा तो इतनी ली गई, और डब्ली किसके कारण है, दैट इज़ ड्यू टू स्टील एट कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो ये ए एस टी टू और यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस वन इज ए एस सी, दिस वन इज व्हाट ए एस सी। ये डॉटेड हमारा इस तरह से, तो यहाँ पर ये इसको हम डॉटेड कर लें, दिस वन इज बी, इस तरह से पीछे है, केवल हम इसकी बात करें कंप्रेशन जोन की स्टील और टेंशन जोन की स्टील। अब यहाँ पर इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर बनाए हम तो स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका, यहाँ पर क्या लगेगा, दिस वन इज व्हाट टी टू, इसके कारण टेंसाइल फोर्स टी टू, और यहाँ पर ये गहराई कितनी है, ये गहराई हमारी कितनी है डी डैस, ये गहराई कितनी है डी डैस। तो यहाँ पर हमारा क्या फोर्स काम करेगा, यहाँ पर देखेंगे दिस वन इज़ व्हाट, दिस वन इज़ सी टू, दिस वन इज़ व्हाट सी टू। तो ये जो हमारा सी टू है ये हमारा क्या है टी टू है, ये कंप्रेसिव फोर्स का ये स्ट्रेस है, सॉरी ये फोर्स है, और ये हमारा टेंसाइल का ये यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की जो लीवर आर्म है ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज लीवर आर्म, दिस इज लीवर आर्म, और लीवर आर्म को हमने क्या माना है जेड डबल डैश मान लिया है, इसका मान क्या है डी माइनस डी डैश, ये कितना है हमारा, दिस इज डी माइनस डी डैश। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारी डी है ना, उसमें से डी डैश हमने कम कर दिया क्योंकि ये कितना है हमारा, दिस वन इज डी डैश, दिस वन इज व्हाट डी डैश। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका अगर हम स्ट्रेस डायग्राम तौर से यहाँ पर बनाएं तो अगर यहाँ पर स्ट्रेस कितना है हमारा सिग्मा सी बी सी, तो इसकी सरफेस पर जो स्ट्रेस आएगा वो कितना होगा, दैट इज सिग्मा सी बी सी डैश। तो वो सिग्मा सी बी सी डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखें इस तरह से कि ये जो हमारा ट्रायंगल बना है इस तरह से, यहाँ पर ये ट्रायंगल इस तरह से बना है ये रहा, इसमें यहाँ पर स्ट्रेस कितना है, दिस इज सिग्मा सी बी सी डैश। सिग्मा सी बी सी डैश क्या है कि ये जो स्टील है इसकी सरफेस पर जो कॉन्क्रीट है वहाँ पर हमारा कितना स्ट्रेस खासतौर से जनरेट हुआ है। यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज सिग्मा सी बी सी एंड दिस वन इज वॉट डी डैश, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, दिस इज हाउ मच, दिस वन इज एक्सी, दिस वन इज वॉट एक्सी, रेडियल न्यूट्रल एक्सिस।
तो यहाँ पर हम सिग्मा सी बी सी डैश का मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसको सिमिलर ट्रायंगल से, कि सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्सी बराबर सिग्मा सी बी सी डैश, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ ऊपर, कि सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्सी बराबर सिग्मा सी बी सी डैश और डिवाइड बाई एक्सी माइनस डी डैश। तो आप देखें कि सिग्मा सी बी सी का मान अगर 5 है तो सिग्मा सी बी सी का डैश का मान कितना होगा, इट इज़ 4.8 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो कुछ कमी होगा 5 से हमारा। तो आप देखें जो कंप्रेशन जोन में जो स्टील है इसकी सरफेस पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, सिग्मा सी बी सी डैश। तो इससे आप सिमिलर ट्रायंगल से आप क्या करेंगे, सिग्मा सी बी सी डैश का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन बी ए एल एन सी ई, बैलेंसिंग केस में बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, बैलेंस कंडीशन अगर लेकर चलें तो बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सी टू बराबर टी टू, सी टू बराबर टी टू, और कहीं भी क्या है, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एरिया इंटू स्ट्रेस बराबर टेंसाइल का एरिया इंटू स्ट्रेस, यही होता है ना। अब इसका एरिया क्या है, ये इक्विवेलेंट एरिया, यानी कि यहाँ पर हम कंक्रीट बाहर निकालें, खासकर स्टील बाहर निकालें, कंक्रीट यहाँ पर प्लेस करें क्योंकि दोनों को हम बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चलो इसका मान कितना होगा, एरिया क्या होगा, इट इज़ 1.5 एम माइनस वन इंटू ए एस सी, 1.5 एम माइनस वन। देखो यहाँ पर क्या हमारा है कि स्टील का जो एरिया कितना है, 1.5 एम, ये इक्विवेलेंट एरिया है किसका, कॉन्क्रीट का। तो ये कितना एरिया होगा, 1.5 एम इंटू ए एस सी माइनस ए एस सी, माइनस ए एस सी क्योंकि स्टील यहाँ पर इतनी कम हो गई, और फिर हमने इक्विवेलेंट एरिया क्या लिया, कंक्रीट का लिया है। तो क्या हो गया, 1.5 एम माइनस वन इंटू ए एस सी, और स्ट्रेस कितना है हमारा, दैट इज सिग्मा सी बी सी डैश, सिग्मा सी बी सी डैश हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो उस केस में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए एस टी टू इंटू सिग्मा एस टी, यही आ जाएगा ना। तो इस आधार पर हम ए एस टी टू का मान यहाँ पर आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस आता है हमारा कि व्हाट इज़ द एम टू, व्हाट इज़ द एम टू। अब एम टू क्या है, हमारा टोटल इनकमिंग मोमेंट, अब देखेंगे कि इनकमिंग मोमेंट, इनकमिंग मोमेंट दैट इज़ व्हाट, एम है ना, और फर्स्ट जो सिंगली रेनफोर्स्ड के द्वारा बियर किया गया क्या है, मोमेंट सिंगली आरसीसी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो कितना हमारा, दैट इज एम वन। एम वन बराबर क्या था हमारा, क्यूबी डी स्क्वायर, इससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता हमारा, है ना। तो रिमेनिंग कितना गया, डब्ल्यू पे कितना गया, डी ओ यू बी एल वाई, डब्ल्यू के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, रिमेनिंग दैट इज एम टू बराबर एम माइनस एम वन, यानी जितना इनकमिंग था उसमें से सिंगली रेनफोर्स का जो मोमेंट हो आप माइनस कर दें, तो बाकी क्या बचा हमारा, दैट इज एम टू। और एम टू क्या है, जो इस कंप्रेसिव स्टील के द्वारा बियर किया जाना है या टेंसाइल स्टील के द्वारा बियर किया जाना है, दोनों के द्वारा बियर किया जाना है, या तो इसके द्वारा और इसके द्वारा, तो यानी स्टील हमारी कितनी चाहिए, या तो ये चाहिए या हमारी ये चाहिए। तो अब यहाँ पर जो एम टू का मान है, मोमेंट एम टू बराबर ये हमारा क्या है, मोमेंट, और कहीं भी मोमेंट निकालते हैं वो हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू स्ट्रेस, है ना, एरिया इंटू स्ट्रेस, इंटू क्या चाहिए, लीवर आर्म, इंटू क्या चाहिए हमें, लीवर आर्म, क्या चाहिए हमें, लीवर आर्म। तो M2 का मान हमारा क्या आ गया, M2। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स, या तो हम कर सकते हैं इंटू सी टू इंटू जेड डबल डैश, हमने जेड डबल डैश लिया है, या इट इज वॉट, ये रहा टी टू इंटू जेड डबल डैश, यही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, ए एस टी टू निकालना है, तो एम टू बराबर क्या है, टी टू इंटू जेड डबल डैश। तो अब यहाँ पर देखेंगे टी टू का मान क्या है, ए एस टी टू इंटू सिग्मा एस टी, यही हो गया ना, ए एस टी टू इंटू सिग्मा एस टी, और ये मान क्या हमारा, डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, ये लीवर आर्म है। तो यहाँ पर ए एस टी टू कितना आ गया, ए एस टी टू
बराबर एम टू अपॉन सिग्मा एस टी इन टू डी माइनस डी डैस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है ए एस टी टू, यानी यहाँ पर हम कितनी स्टील डालें ताकि वो इस मोमेंट को बियर कर ले। ठीक, अब हम निकालना चाहते हैं ए एस सी, ए एस सी भी हम इसके आधार पर निकाल सकते हैं जो हमने किया है एम टू बराबर सी टी इन टू जेड डबल डैस। इसके आधार पर अगर यहाँ पर आ जाएँ हम तो देखेंगे, यहाँ पर हम चलो इसको ये ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये पहला केस हो गया, यहाँ पर इसको कर लें ऐसे बंद। तो हमारा क्या था एम टू बराबर सी टू इन टू जेड डबल डैस, यही है ना। अब एम टू तो है ही हमारा रिमेनिंग है ना, और सी टू का मान क्या है हमारा, दिस इज 1.5 एम माइनस वन इन टू ए एस सी इन टू सिग्मा सी बी सी डैस, सिग्मा सी बी सी डैस भी मालूम है, और जेड डैस का मान क्या है डी माइनस डी डैस। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए एस सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, ए एस सी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी में अगर आप ए एस सी करके देखें, ए एस सी बराबर क्या है, ए एस सी यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। सो ए एस सी का मान कितना है यहाँ पर हमारा, एम टू अपॉन 1.5 एम माइनस वन, ये हो गया 1.5 एम माइनस वन इंटू सिग्मा सी बी सी डैस और इंटू डी माइनस डी डैस। इसके आधार पे हम यहाँ पर ए एस सी आसानी से निकाल लें। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू, इस बीम को इसके ऊपर रख दें तो कंक्रीट के साथ ये स्टील आ जाएगी, ए एस सी आ जाएगी, और ये ए एस टी टू यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा ए एस टी वन और ये ए एस टी टू। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ए एस टी का मान है, जो हमारी बीम की फिगर बनेगी वो, चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ, तो इससे हमारा क्या है ए एस सी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम ए एस टी टू निकाल सकते हैं, और इससे हम क्या निकालेंगे ए एस टी वन निकाल देंगे। तो ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू बराबर क्या आ जाएगा हमारा ए एस टी। अब यहाँ पर हम करेंगे, चलो ये जगह बच रही है, सो व्हाट इज द ए एस टी, दिस इज ए एस टी वन प्लस ए एस टी टू, और यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया ए एस सी, हमने यहाँ पर इससे निकाल लिया कि कंप्रेशन में हम कितनी स्टील खास तौर से प्रोवाइड करेंगे। तो जितना भी मोमेंट है हमारा इनकमिंग, ठीक है, किसी बीम में, और सिंगली रेनफोर्स्ड का मोमेंट आप माइनस कर दें एम वन, ठीक, और उस केस में हमारी जो स्टील है वो हमारी कितनी लगी डब्ल्यू के लिए, हम पहले मोमेंट निकालेंगे एम टू निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम ए एस टी टू और खास तौर से ए एस सी का मान निकाल सकते हैं। और ए एस टी वन हमारे कहाँ से निकला, एम आर बराबर क्यू बी डी स्क्वायर या एम वन बराबर क्यू बी डी स्क्वायर, सो दिस इज ए एस टी वन इज वॉट एम वन अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जेड डैस, और जहाँ पर एम वन का मान क्या है, दिस इज क्यू बी डी स्क्वायर, और क्यू का मान क्या है हमारा हाफ सिग्मा सी सी एक्स वन जेड वन। उस केस में आप एक्स वन का मान एम सिग्मा सी सी अपॉन एम सिग्मा सी सी प्लस सिग्मा एस टी, और जेड वन का मान वन माइनस एक्स वन अपॉन डी करके आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, एक्स वन अपॉन थ्री करके, ये जो आपका आ रहा है जेड वन बराबर दिस इज वन माइनस एक्स वन अपॉन थ्री कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हम डब्ल्यू रेनफोर्स हम प्रयोग करते हैं, यानी जितना भी एम टू का मान आ रहा है हमारा, ठीक है, वो किससे बैलेंस होगा, ए एस सी यानी कंप्रेशन में जो स्टील डाली है, और जो हमने टेंशन में स्टील डाली है ए एस टी टू, इससे बैलेंस होगा। ठीक है, तो अब इसको दोनों को मिला दें तो ये हमारी डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम ये आसानी से काम कर जाएगी। तो इस तरह से आप देखें इसके कंसेप्ट जो है बहुत आसान हैं, और ये आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, अगर हम कहते हैं स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं व्हाट, दिस इज द सिग्मा एस सी। यहाँ पर मैंने एक कर दिया है छोटा सा, चलो यहाँ पर एक जगह बन रही है छोटी सी, यहाँ पर ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है कि व्हाट इज द सिग्मा एस सी, सिग्मा एस सी यानी परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, है ना, और ये हमारा कितना आएगा इसके आधार पर आप करें तो इट इज़ हाउ मच 1.5 एम इंटू सिग्मा सी बी सी डैस, 1.5 एम इंटू सिग्मा सी बी सी डैस, वहाँ पर स्टील में इतना कंप्रेसिव स्ट्रेस खास तौर से यहाँ पर जनरेट होगा। तो आप देखें कि जो हमारे डब्ल्यू रेनफोर्स बीम है उसका मेन चीज़ क्या है कि अगर हम सिंगली रेनफोर्स बीम को अगर हम ओवर रेनफोर्स कर दें, कैसे करेंगे कि ए एस टी वन अगर हमारा रिक्वायर्ड कितना है 0.7% आ रहा है, अगर एम 15 ग्रेड की कंक्रीट है और मॉड्यूलर रेशियो हमारा कितना है दैट इज़ 18, और एफ ई 250 ग्रेड की स्टील है,
तो परसेंट स्टील कितना आता है हमारे 0.69% आता है। ऐसे कंक्रीट का ग्रेड हम चेंज कर दें, स्टील का ग्रेड चेंज करें, मॉड्यूलेशन चेंज करें, तो उसमें परसेंट स्टील आपका चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम स्टील इस AST1 से ज़्यादा डाल दें तो बीम हमारी क्या होगी, ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगी। यानी 0.7% के बजाय सपोज करें, वही लेकर चले हम डाटा, 0.7% के बजाय हम सपोज करें रिक्वायर्ड हमारा कितना आ रहा है, AST बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, टोटल इनकमिंग मोमेंट और डिवाइड बाई सिग्मा ST2Z करें तो AST का मान बहुत ज़्यादा आ रहा है, मान लो आ रहा है 1%, तो जो हमने 0.3% जो एक्स्ट्रा स्टील डाली है उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीम हमारी पहले ही कंप्रेशन जोन में फेल हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि उस स्टील का भी हम उपयोग कर लें, तो हमने क्या किया, कुछ स्टील हम कंप्रेशन जोन में डाल देते हैं ताकि कंप्रेशन जोन का एरिया हमारा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, टेंशन जोन में एरिया ज़्यादा करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीम कहाँ से फेल होती है, जहाँ से वीक होती है, तो जहाँ पर एरिया मोमेंट हमारा कम होता है वहाँ पर बीम हमारी फेल हो जाती है। तो टेंशन जोन में स्टील बनाने का, बढ़ाने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है सिंगली रिइंफोर्स, जबकि आप थोड़ा सा स्टील अगर कंप्रेशन जोन में डाल दें उससे कंप्रेशन जोन का एरिया बढ़ जाता है और टेंशन जोन का एरिया भी बढ़ जाता है, उससे दोनों के एरिया बराबर हो जाते हैं, दोनों के द्वारा बियर किए गए फोर्स बराबर हो जाते हैं, उस केस में दोनों ही चीज़ें एक साथ हमारी फेल होती हैं। तो इसलिए ये जो हमारा कंसेप्ट है, इस आधार पर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को खास तौर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस है, और अगली बार फिर मैं लिमिट स्टेट, ये वर्किंग स्ट्रेस थोड़ा सा आसान है इसलिए, और बाकी लिमिट स्टेट भी बहुत आसान है, अब वो आप आसानी से समझ लें, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि फिलहाल ये वर्किंग स्ट्रेस से ये काम हो जाए और फिर उसके बाद फिर लिमिट स्टेट्स लेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें और ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर चलो मैं ऐड कर देता हूँ, ये सिंगली कारण है और ये इसका स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज़ वॉट STRESS स्ट्रेस DIAGRAM, ठीक है, फॉर दिस वन। और इसी तरह से ये हमारा सेकेंड है, तो ये मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है ना, तो दिस वन इज़ यहाँ पर मैंने कर दिया सेकेंड, ये इसको ध्यान दीजिएगा ज़रा, सो दिस वन इज़ वॉट, ये सेकेंड है हमारा, और इसका ये हमारा क्या, दिस इज़ स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज़ वॉट स्ट्रेस डायग्राम, मैं यहीं कर देता हूँ बहुत छोटा सा, स्ट्रेस डायग्राम, ये मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, इसका स्ट्रेस डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।